हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त रवि राणा, आप देख रहे हो फिटनेस आर एस यूट्यूब चैनल। तो पहले तो बताओ कि तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है। तो आते हैं फिर टॉपिक पर, जैसे कि आप बहुत भाइयों को कमेंट आते हैं कि रवि भाई इनर चेस्ट के ऊपर वीडियो बनाओ, ये जो बीच में चेस्ट में गाय होती है इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो आपको इसी की कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, ये जो बीच में चेस्ट में गाय होती है तो इसी को पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे, बेस्ट की चेस्ट की गाय को। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, एंड तक देखना ना भूलें। तो आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, रवि फिटनेस आर एस के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। और आपने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो आइए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो पहले लगाते हैं इनर चेस्ट को चार्ज करने के लिए पुशअप्स। तो पहले लगाते हैं डायमंड पुशअप्स और फिर लगाएंगे वाइट ग्रिप पुशअप्स। तो पहले लगाते हैं डायमंड पुशअप्स इस तरीके से, बॉडी एकदम सीधी ऊपर की तरफ आते हो तो एकदम पूरा इनर चेस्ट एक्सप्लोड, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से अब लगाएंगे वाइट के पुशअप्स, जिससे कि जो आपका इनर चेस्ट है वो अच्छे से चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से इसकी यूज करते रहें। और अगली पुशअप्स इस तरीके से थोड़ा दूर हाथ करने के बाद, ये इस तरीके से एकदम पूरा खींच के ऊपर की तरफ आते हो तो एकदम खींच के पूरा पूरा फोकस एकदम पूरा टारगेट एकदम अच्छी तरीके से इनर चेस्ट पे। तो अब बिछाते हैं मैट और लगाते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है एकदम इनर चेस्ट के लिए, एकदम जो आपकी विच की गाय है चेस्ट में वो एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो मैट बिछाते हैं, लगाते हैं पहले एक्सरसाइज। तो आपको एक ईंट ले लेनी है, ईंट तो सभी भाइयों के घर मिल जाती है आसानी से, इस तरीके से लेट जाना एकदम, और ये इस तरीके से। ये इस तरीके से ऊपर ये पूरा एकदम स्क्रूज करते हैं ऊपर की तरफ, पूरा फोकस एकदम इनर चेस्ट पे। इस तरीके से मसल को फील करते हो एकदम खींच के ऊपर की तरफ, जब ले जाते हो तो एकदम खींच के इस तरीके से। तो हर एक्सरसाइज के आपको 3 सेट लगाने और रेपिटेशन अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, और आपका मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है जब तब आप वर्कआउट करते हो। तो ये लगाते हैं अब अगले एक्सरसाइज, तो हमने आपके लगाई थी सामने की तरफ, आपके लगाना बिल्कुल ऊपर की तरफ सीधा इस तरीके से एक्सरसाइज, ये इस तरीके से एकदम खींच के पूरा पूरा लोड एकदम इनर चेस्ट पे अच्छे से, ये मसल को फील करते हुए क्योंकि आप कोई भी एक्सरसाइज लगाते हैं तो जब तक आपकी मसल पे लोड नहीं आएगा तो अच्छे से आपकी मसल ट्रेन नहीं होगी, आपकी मसल पे पूरा लोड आना चाहिए अच्छी तरीके से, ये इस तरीके से।
तो इस तरीके से आपको स्क्यूज करते रहना एक्सरसाइज के बीच बीच में। तो इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट लगाने हैं और रेपिटेशन अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। और अब लगाते हैं अगली एक्सरसाइज जो कि आपको खड़े खड़े लगानी है। तो पहले साइड से दिखाता हूँ फिर सामने से। तो इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ ले आना इस तरीके से, फिर नीचे, फिर से ऊपर, सामने से, नीचे से ऊपर की तरफ एकदम स्क्यूज करते हुए इनर चेस्ट पे पूरा लोड एकदम अच्छी तरीके से। ये इस तरीके से, क्योंकि यहाँ यहाँ आपको हाथ थोड़े टेढ़े रख रहे हैं और जब आप ऊपर ले आते हो तो एकदम सीधा इस तरीके से। ये इस एक्सरसाइज के 3 सेट लगाने हैं और फिर लगाते हैं आखिरी और फाइनल एक्सरसाइज। तो इस तरीके से आपको स्क्यूज करते रहना मसल को। और अगले एक्सरसाइज इस तरीके से पूरा एकदम सीधा रखना है बॉडी को और सामने की तरफ, फिर से वहीं और स्क्यूज करते हुए आगे की तरफ एकदम खींचिए पूरा इनर चेस्ट पे लोड। इस तरीके से सामने से ये इस तरीके से सामने की तरफ एकदम मस्कल को फील करते हुए पूरा एकदम खींच के ले जाना आपको आगे की तरफ। ये तो इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट लगाने और रेपिटेशन अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और जो एकदम जो आपको एक्सरसाइज लगानी है वो एकदम अच्छी परफॉर्मेंस में एक्सरसाइज लगानी है, तभी आपकी अच्छी मसल ट्रेन होगी। दोस्तों वर्कआउट हो चुका है समाप्त। तो क्या कह रहे हो कि इनर चेस्ट नहीं दिखा, पूरी वर्कआउट समाप्त कर दी। तो 3 सेट निकालते हैं और फिर दिखाते हैं अपना इनर चेस्ट जो पूरी काम हो चुका। पूरी तरीके से भाई अच्छी तरीके से पंप हो चुके दोस्तों। यही था अपना वर्कआउट। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और अगली वीडियो किस टॉपिक पे लानी है कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद और वंदे मातरम।